वलीराम ऐसा अमीर था, औरंगजेब का मंत्री सिंधी वलीराम, फाइनेंस मिनिस्टर वलीराम, वर्ष के आखिरी दिनों में हिसाब किताब की फाइलें ले आया था। औरंगजेब इतना घमंडी था कि औरंगजेब का अभिवादन करें और जब तक औरंगजेब बूढ़े बैठने का इशारा नहीं करता तब तक उसको सामने वाले को अभिवादन पर अभिवादन करना है। बलिराम सिंधी आत्माभिमानी था, उसने एक बार अभिवादन किया, थोड़ा चुप हुआ, फिर दूसरी बात राजाधिराज अंदाता, लेकिन राजाधिराज किसी विचारों में खोया था, उस अहंकारी को फुर्सत नहीं थी, वलीराम जैसा बुद्धिमान मंत्री का प्रणाम स्वीकार करने की फुर्सत नहीं थी उसको। वलीराम को लगा कि इस मिट्टी के बंदे अहंकार से सज्ज, ध्यान भजन और बंदगी से रहित, समाज का शोषण करने वाले इस राजवी पुरुष को अभिवादन करता हूं, इससे तो मैं अपने राम को रिझाता तो बेड़ा पार हो जाता। हो गया प्रज्ञा का प्रकाश, हो गई अंदर से जागृति। धीरे से उसने किताब फाइल जो कुछ थी बही खाते फाइल धर दी, दबे पैर राज दरबार को सदा के लिए त्याग कर चला गया और ढंढेरा पिटवा दिया कि जय खे जे को कुछ खपे वलीराम जे घरा वठी वने। सर्व त्याग यज्ञ जी घोषणा तो करया, जिसको जो चाहिए वलीराम के घर से उठाकर ले जा सकता है अपनी वस्तु समझकर। वलीराम सर्व त्याग यज्ञ की घोषणा करता है। एकत्रित करने में तो जिंदगी पूरी हो जाती, लेकिन बांटने में तो मिनटों का खेल है, अथवा तो मरते समय छोड़ने में भी मिनटों का खेल है। सारी जिंदगी जो रखा इकट्ठा किया, फिर पढ़ाई लिखाई के सर्टिफिकेट और पढ़ाई लिखाई के संस्कार खोपड़ी में रुपए पैसे साड़ी गहने गांठे मृत्यु के एक झटके में सब छूट जाते हैं। जब मौत आकर छुड़ा दे उसके पहले उसकी आसक्ति छोड़कर जो चल पड़ता है वो बड़भागी है, वह बुद्धिमान है, वह सत्य शिष्य है, सत्य के लिए आसक्ति छोड़ता है। और उसको सदगुरु मिलते तो मंत्र चमकता है, मंत्र का प्रभाव चमकता है, साधना चमकती और इष्ट का प्रभाव भी निखर आता है। वलीराम ने सर्व त्याग की घोषणा करते ही सब सफा होने लगा। एक धोती ली, दो टुकड़े बनाए पंचिया, एक कमर को ओढ़ा और एक साधु बाबा उड़ते ना, ये हम उड़ रहे, एक धोती में से दो पीस हैं और क्या। चल पड़ा वलीराम यमुना किनारे, तू ही तू, हेलो तहली आकाश डिसू, आकाश मेरे तारा तारन जो चंड भी तू, तेरा मकान आला जित कित वसी तू। हेलो तहली जमुना दिसू, जमुना मेरे लहरूं, लहरूं जो लाल भी तू, तेरा मकान आला जित कित वसी तो तू। ईश्वर का सुमरण करते करते पैर पसारते हुए अपनी ढपली और अपना राग गाते गाते वलीराम तो मस्त हो गए, क्योंकि त्याग का सुख मिला, दान का सुख मिला और ईश्वर में प्रेम लग गया, मोह प्रीति हो गई। बलिराम कहाँ गया, बोले बलिराम नाराज होके चले गए। शाही फरमान है उसे बाइज्जत लाया जाए। नौकरों ने कहा वो बाइज्जत अथवा बेइज्जती से आने वालों में से नहीं रहे, वे फकीर बन गए हैं। शाही फरमान है उन्हें लाया जाए। बुद्धिमान मंत्री ने कहा वे नाराज होकर गए हैं और फकीर बने हैं, अब जहां पना को चलना ही समाज में जहां पना की इज्जत होगी, नहीं तो जहां पना अगर उनको बुलवाते हैं या सिपाहियों के बल से बुलाया जाए या लाया जाए तो एक साधु के अपमान करने का पाप लगेगा शासन को और बदनामी होगी पूरी दुनिया में। इसलिए जहां पना को उचित है कि अब उस फकीर के पास स्वयं चले। तुम ठीक कहते हो, तुम्हारी बात पर हम ध्यान दे रहे हैं, तैयारियां करो। वो घमंडी औरंगजेब यमुना किनारे गया है, किसके पास, जो रोज सलामी भरता था राजाधिराज अंदाता महाराज, उस बलिराम सिंधी के पास जाकर खड़ा हुआ है सम्राट। वलीराम ने उठकर प्रणाम नहीं किया, बैठे बैठे प्रणाम नहीं किया, वेलकम भी नहीं किया। वलीराम कुछ असली राजा से मन ही मन मिल रहे थे, गुनगुना रहे थे। उस घमंडी को बड़ा दुख हुआ,
घुमंडी चिल्लाया, ऐ बलिराम क्या तुम इतने नमक हराम, तुमने मेरा नमक खाया है, तुम मेरे नौकर रह चुके हो, कम से कम उठकर आधा बरस तो करो, बैठने को तो कहो। बलिराम ने देखा कि अच्छा आप आ गए, मैं आधा बरस क्या करूं, मैंने आपका नमक खाया, मैं आपका गुलाम था, ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे काम के गुलाम थे तो मैं तुम्हारे दाम का गुलाम था, जयराम जी की। और सच पूछो तो कोई किसी का गुलाम नहीं, आदमी की वासना ही उसे गुलाम बनाती, मुझे अच्छा घर मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छा रथ मिले, इस बेवकूफी की वासना ने अच्छे में अच्छे राम रस को दबा रखा था, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं था, अपनी वासना का गुलाम था, और विवेक जगा, वासना मिटी, तो अब मैं शहंशाह हूं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। औरंगजेब देखता ही रह गया, किसने तो मार दी थप्पड़। वे लोग निर्भीक होते हैं जो निस्वार्थी होते हैं, वे लोग निर्भीक होते हैं जो आत्मपरायण होते हैं, वे लोग निर्भीक होते हैं जिनके पास इष्ट मंत्र का खजाना है, वे लोग निर्भीक होते हैं जिनके पास सतगुरु का दिया हुआ मंत्र जाप और दृढ़ विश्वास है। ये तो औरंगजेब है, वे लोग तो मौत के सिर पर भी पैर रखने का सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे वे संत होते हैं, वैसे वे महापुरुष होते हैं।